अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडेर रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 33, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉब्लम 26। वो कहता है लेजर बीम है 4.6 वाट की डायमीटर, आपके पास 2.6 मिलीमीटर का है, डायरेक्टेड अपवर्ड है, सर्कुलर फेस जैसे दिखाया जा रहा है। वो कहता है कि जी इसका डायमीटर 2.6 mm से कम होगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सिलेंडर है, सिलेंडर को लेविलेट किया यानी हवा में रखा गया है, अपर रेडिएशन जो फोर्स है वो मैच कर रही है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, सिलेंडर की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, व्हाट इज द हाइट। अब उसने कहा मैच कर रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगी हुई है, तो हम कहेंगे जितना वेट है जितना रेडिएशन की फोर्स है उनका डिफरेंस जीरो या बराबर होनी चाहिए, तो हम दोनों की वैल्यू डाल देंगे, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके निकाल लेंगे और फोर्स को आप कह लेंगे पाई एरिया इनटू प्रेशर। अब एरिया पाई डी स्क्वायर बाई फोर, और चूंकि 2i/c है, रिफ्लेक्टिंग है आपके पास सिलेंडर, तो इसमें से कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, रो जी एच बराबर आ जाएगा 2i/c, एच बराबर आ जाएगा 2gc रो, और आई की जगह आ जाएगा पी ऑफ प्रेशर पर यूनिट एरिया, तो वो हमने इधर वैल्यू डाल दी। अब आपके पास सारी वैल्यूज मालूम है, सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, 3.91 10 पर -7 मीटर की हाइट आ जाएगी। तो ये हमारे पास सलूशन है, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।